पोटामे वाली महर मोहम्मद तहसील से प्रेस क्लब खैर पोटामे वाली का माहाना इजलास जनवरी 2022 मुनक्किद हुआ, जिसमें तमाम अहदेदारान और मेंबरान ने भरपूर शिरकत की। इजलास के मेहमान खसूसी राना मोहम्मद फारूक बानी प्रेस क्लब थे, जबकि इजलास ज़ेर सदारत मोहम्मद इरफान वसीम सदर मुनक्किद हुआ। इजलास की बाकायदा कार्रवाई का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हुआ, जिसकी सआदत सैयद तसव्वुर हुसैन शाह ने हासिल की, जिसके बाद बाकायदा कार्रवाई शुरू की गई। मुल्क के दूसरे शहरों की तरह मुल्क खैरपुर में भी यूरिया खाद की किल्लत के सिलसिले में किसानों की आवाज़ भरपूर तरीके से आला हुकाम तक पहुंचाने, खैरपुर में नजायज तजावजात जिसमें THQ के सामने चुंगी की इमारत, लारी अड्डा खैरपुर मेन चौक पर नजायज़ कब्जा, प्रोजेक्ट ऑफिस व रिहाइश पर TMA के हाजिर सर्विस मुलाजमीन के कब्जा जैसे मसाइल हाईलाइट करने और अफसरान बाला तक तमाम हकायक पहुँचाने का आगाज़ किया गया। बानी प्रेस क्लब राना मोहम्मद फारूक ने 9 मुंतखब अहदेदारान 2022 सदर प्रेस क्लब मोहम्मद इरफान वसीम की काविशों को खराज तहसीन पेश करते हुए मुबारकबाद दी और कहा कि मुझे अपनी प्रेस क्लब की टीम पर फख्र है, जो दिन रात अवामी मसाइल के हल के लिए कोशां हैं और मौसम की सख्तियों के बावजूद असल हकायक हाईलाइट करने के लिए हर वक्त फील्ड में मौजूद होती है। मुझे इस पर फख्र है। बाद अजां शहजादी तारिक मेंबर प्रेस क्लब की तरफ से 9 मुंतखब अहदेदारों के एजाज़ में तमाम मेंबरान को पुरतकल्लुफ इशाइया दिया गया, जिस पर सदर प्रेस क्लब मोहम्मद इरफान वसीम ने इनका शुक्रिया अदा किया। इजलास में साबिक चेयरमैन बल्दिया राना मोहम्मद बाबर खान ने खसूसी तौर पर शिरकत की और 9 मुंतखब सदर मोहम्मद इरफान वसीम और इनकी टीम को मुबारकबाद दी।